हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मेरा नाम मोनिका मैम है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी सी और बहुत ही फन सोशल साइंस की असाइनमेंट लेकर आई हूँ, जो आपके चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति से है। इसमें मैंने बेटा फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण हैं उनको एक मज़ेदार तरीके से, इन द सेंस दैट फिल इन द ब्लैंक्स के वे में आपको समझाने की कोशिश करी है, एंड आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे उसको और उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे इसके। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से, अभी घर पे बैठे हो, एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है सोशल साइंस का, है ना, 9th क्लास का, क्योंकि अभी लॉकडाउन हो गया है। बट क्या करें, हमें पढ़ना तो फिर भी है कि नहीं? तैयारी तो हम पूरी करके रहेंगे, चाहे तुम है जितने भी खुश हो लो। खुश तो बहुत हो गए तुम, अमिताभ बच्चन का डायलॉग आया था सबको। खुश हो गए कि स्कूल बंद हो गए हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये याद रखो एग्ज़ाम तो होगा तुम्हारा, ठीक है? सो तैयारी पूरी करने के लिए हम मेहनत करते रहेंगे, एंड मैं आपके साथ हूँ, आई विल बी देयर विद यू, साथ में मिलके करेंगे तो मज़ा भी आता है ना? तो चलो जल्दी से ये असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट भी नहीं लेंगे तुम्हें इसको करने में, एंड आपको लर्न भी हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। तो ये है आपकी असाइनमेंट, फ्रांसीसी क्रांति पार्ट से है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण टॉपिक है, और इसमें आपको क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। दिए गए तालिका से शब्द चुनकर गद्यांश के रिक्त स्थान पूरे करें। तो ये मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं। कितने वर्ड्स हैं? 19 वर्ड्स हैं टोटल। बहुत इजी हैं, ऐसे घबराओ मत कि बड़े सारे हैं, ठीक है? इन वर्ड्स को बस हमें, ये जो पूरा गद्यांश मैंने बनाया है जो हमें सारी फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताता है, उसमें इसको फिल कर देना है। ये आपकी बुक से ही है सारे पॉइंट्स मैंने लिए, बट मैंने उनको ईजी तरीके से एक के बाद एक लगा के ये पैराग्राफ बनाया है, ठीक है, आपके लिए। सो लेट अस बिगिन। मैं जल्दी से पहले पैराग्राफ पढ़ देती हूँ, फिर इसके आंसर्स भी देख लेंगे, ठीक है? 1789 में डैश क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? इनमें से वर्ड ढूंढने हमें, ठीक है? और फिर क्रांति के पहले फ्रांस का राजा डैश 16वां था। वे पेरिस के पास डैश के महल में रहते थे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि राजा का डैश खाली हो चुका था। लुई 16वें ने डैश के खिलाफ 2 युद्धों में बहुत पैसा खर्च किया। फ्रांसीसी क्रांति का एक और मुख्य कारण था डैश एस्टेट द्वारा झेली जा रही मुसीबतें। 3 एस्टेट हैं फ्रांस में, याद है? 3 एस्टेट थी, है ना? तो हम यहाँ पे कौन सी एस्टेट की बात कर रहे हैं, ज़रा अपने माइंड में ज़रा सोचो। वे बहुत ही गरीब थे और उनके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उनकी स्थिति और भी ख़राब हो गई जब फसलें बर्बाद हो गई और 1788 में सूखा पड़ गया था। फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण यह भी था कि फ्रांस के 2 सबसे अमीर वर्ग राजा को पैसे नहीं देते थे। कौन से वर्ग थे वो? डैश वर्ग, जिनको डैश एस्टेट भी कहते थे, और डैश वर्ग, जिनको डैश एस्टेट भी कहा जाता था, ठीक है? इनके पास खूब भूमि और पैसे थे, फिर भी ये डैश से विशेष अधिकार के चलते डैश जमा नहीं करते थे। इन कारणों की वजह से फ्रांस डैश में डूब गया। कुछ कुछ तो याद आ रहे होंगे आपको वर्ड्स, चलो आगे देखते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण कारण ये था कि फ्रांस में डैश डैश और डैश जैसे दार्शनिकों के विचार राजा और चर्च की शक्तियों के विरुद्ध थे। इससे लोगों में यह जागरूकता आई कि डैश की निरंकुश शक्तियों पर रोक लगनी चाहिए। अब किसकी निरंकुश शक्तियों की बात हो रही है, याद है? हम पहली 2 वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं, और उनकी भी कुछ भूमिका होनी चाहिए डैश को नियंत्रण में रखने के लिए। तो ये है पूरा गद्यांश, ठीक है? इसमें जैसे ही हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हमें इनके उत्तर मिल जाएंगे, और हमारे फ्रांसीसी क्रांति के सारे कारण हम याद भी कर लेंगे। लेट्स जंप टू द सॉल्यूशन। ये रही हमारी सॉल्व्ड असाइनमेंट, जिस इज वेरी वेरी इजी। देखो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो हमने ये 19वां वर्ड जो था आपका वो चूज़ करा है। क्रांति के पहले फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां।
वे पेरिस के पास वर्साई के महल में रहते थे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि राजा का जो राजकोष था वो खाली हो चुका था। याद आया, हमने ये पढ़ा था ना कि राजा के पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे। लुई सोल्वे ने ब्रिटेन के खिलाफ 2 युद्धों में बहुत पैसा खर्च किया था। ठीक है, ये ब्रिटेन जो है वो अमेरिका पे कब्ज़ा करे बैठा था और जो फ्रांस है उसने अमेरिका की मदद की थी, याद रखना आप। फ्रांसीसी क्रांति का एक और मुख्य कारण था तृतीय स्टेट द्वारा झेली जा रही मुसीबतें। याद है ना, 3 स्टेट में से तृतीय स्टेट सबसे बेचारा स्टेट था, मतलब कि उस वर्ग के जो लोग थे उनको ही सारे कर का भार देना पड़ता था और उनकी ही हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। वे बहुत ही गरीब थे और उनके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उनकी स्थिति और भी ख़राब हो गई जब फसलें बर्बाद हो गई और 1788 में सूखा पड़ गया था। तो नेक्स्ट वर्ड है सूखा। फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण यह भी था कि फ्रांस के 2 सबसे अमीर वर्ग राजा को पैसे नहीं देते थे। पादरी वर्ग, जिनको हम प्रथम स्टेट कहते थे, कुलीन वर्ग, जिनको हम द्वितीय स्टेट भी कहते थे, इनके पास खूब भूमि और पैसे थे, फिर भी ये जन्म से विशेष अधिकार के चलते कर जमा नहीं करते थे। इन कारणों की वजह से फ्रांस कर्ज में डूब गया। कितने लिवरे का कर्ज हो गया था? 10 से 12 अरब लिवरे, याद है। अंतिम महत्वपूर्ण कारण ये था कि फ्रांस में वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचार राजा और चर्च की शक्तियों के विरुद्ध थे। दार्शनिक कौन होते हैं? फिलोसोफर्स, याद है ना। इनकी विचार सुन के लोगों में स्वतंत्रता और समानता के भाव पैदा हो गए। इससे लोगों में यह जागरूकता आई कि राजा की निरंकुश शक्तियों पर रोक लगनी चाहिए और उनकी भी कुछ भूमिका होनी चाहिए सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए। उनके मतलब किनकी? तृतीय स्टेट की, लोगों की, ठीक है ना। तो ये थी हमारी वर्कशीट। कैसी थी? आसान थी ना। ये सारे जो रेड वाले जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो ब्लैंक्स हमने भरे हैं, ये वो वाले वर्ड्स हैं और ये सारे तालिका में मैंने दिए हुए हैं आपको, आप उसको देख लेना। आपको अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी ले सकते हो। मैं ज़रा वेट करती हूँ यहाँ पे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप और बाद में आप इसको अपने रजिस्टर में लिख लेना। आपके पूरे जो असाइनमेंट है इससे आपको फ्रांसीसी क्रांति के कारण लर्न हो जाएंगे, है ना। और हर स्टेट के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें भी इसमें पता चलती हैं, ठीक है ना, कि कौन सबसे ज़्यादा मुसीबत में स्टेट था, तो वो था तृतीय स्टेट। सूखा कब पड़ा था? 1788 में। ऐसी ऐसी बातें भी इसमें से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन भी निकल आते हैं, देख रहे हो। ले लो आप स्क्रीनशॉट और इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपका देखो एक पूरा आंसर लर्न हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं नेक्स्ट अब जो वीडियो बनाऊंगी उसमें हम फिर कुछ और फ्रांसीसी क्रांति के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और मैं कोशिश करूंगी एक और असाइनमेंट आपके लिए लेकर आऊँ। ऐसे ही आपके पास कोई सजेशन हो अगर असाइनमेंट को लेके, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना और वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ओके, क्योंकि हम यहीं पर अब साथ में पढ़ेंगे ऑनलाइन। ऑल राइट, बाय बाय।